हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 20 अक्टूबर करंट अफेयर वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बेल आइकन के साथ, ताकि हर नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप सभी प्रकार की पुरानी नए PDF और नोट्स फ्री प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत किस साल तक जो है ट्रांसफैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। तो वह 2022 तक, 2022 तक है जो ये लक्ष्य रखा है ट्रांसफैट फ्री होने का। ये लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य से एक साल आगे है। ये घोषणा तब की गई है जब मंत्री ने विश्व खाद्य दिवस मनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक जो प्राधिकरण है उसके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हर साल क्या 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। फटाफट रिवीजन देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन है कि मशहूर जो डोल कंपनी है बॉर्बिन ने किस भारतीय पैरा मेडिकल प्लेयर है बैडमिंटन प्लेयर उनकी संपर्क भी देख बॉबी डोल लॉन्च किए, तो वो किए मानसी जोशी की। किनकी? मानसी जोशी की। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 अक्टूबर को खाद्य और कृषि संगठन की जो वर्षगांठ है 75वीं वर्षगांठ उस पे कितने मूल्य का स्मारक चिन्ह जारी किया, तो वो क्या 75 रुपये का। किस कंपनी ने देश भर के छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी जो शिक्षा परिषद है उसके साथ भागीदारी किया, तो वो किया माइक्रोसॉफ्ट की। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है, सहायता दिया, तो वो दिए 10 लाख डॉलर की। पीएम मोदी ने देह विचारणा करणी नामक जो आत्मकथा है उसका विमोचन किया। ये आत्मकथा किन की है, तो यह बाल साहेब विखे पाटिल की, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण मेला कब मनाया जाता है दिवस, तो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब? 15 अक्टूबर को। दो नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो बढ़ा दिया है 22 अगस्त 2021 तक। वे अगले 30 नवंबर को 96 वर्ष होने वाले थे। 1984 बैच के असम मेघालय के जो है कैडर के IAS अधिकारी भल्ला है, उनको पिछले साल 22 अगस्त को राजीव गोबा के स्थान पर गृह सचिव बनाया गया था, और गोबा इस समय कैबिनेट के सचिव हैं। गोबा क्या है? कैबिनेट सचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया इस वीडियो को, तो गुजारिश रहेगी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक आप जरूर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य होता है कि विश्व समुदाय में जो गरीबी उसको दूर करने हेतु किए जा रहे प्रयासों को संबंध में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस गरीबी में रहने वाले लोगों के साथ सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोगों को गरीबी से बाहर लाने के प्रयास पर जोर देता है। यह दिवस पहली बार साल 1987 में फ्रांस में मनाया गया था। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो किया गया विशाल वी शर्मा को। किन्हें किया गया? विशाल वी शर्मा को। विशाल पेरिस स्थित जो है यूनेस्को मुख्यालय उसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि जावेद अशरफ उनकी जगह लेंगे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना करना इसका जो है मेन जो है पर्पज होता है। भारत सरकार ने किस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए जो रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशन यानी AC है उनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वह चीन को। चीन के आयात के लिए भारत ने जो है प्रतिबंध कर दिया है AC को। ऐसे वाले जो रेफ्रिजरेटर है उनके आयात पर प्रतिबंध कर दिया है। व्यापार महानिदेशक की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एयर कंडीशन के साथ रेफ्रिजरेटर की आयात जो नीति उनको मुफ्त से प्रतिबंध की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है।
माना जा रहा है सरकार के ये कदम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से क्या उठाया गया है। आज का जो सवाल है वो देखेंगे, जिसका आपको राइट आंसर देना है कमेंट के द्वारा। सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम अगले वीडियो के अंदर शेयर किए जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कौन से राज्य ने नवरात्रि त्यौहार के लिए महिलाओं के लिए जो मिशन शक्ति है वो प्रारंभ किया है। जो नवरात्रि त्यौहार है उस पर महिलाओं के लिए मिशन शक्ति है वो प्रारंभ किया है, तो किस राज्य ने किया है? ऑप्शन है आपके लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। किस राज्य ने मिशन शक्ति है जो महिलाओं के लिए वो प्रारंभ किया है नवरात्रा पर? तो आप बताएंगे जल्दी जल्दी अपने आंसर नीचे कमेंट के द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की जो लिस्ट है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला 94 नंबर, 94 स्थान पे, 157, 107 जो देशों की सूची है उसमें। लाइक और शेयर नहीं किया इस वीडियो को, तो लाइक और शेयर जरूर करें। रिपोर्ट के अनुसार 27.2 स्कोर के साथ भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में है। हंगर इंडेक्स 2020 में इंडोनेशिया 17वें, नेपाल 73वें, बांग्लादेश 75वें, पाकिस्तान 88वें स्थान, और रिपोर्ट के अनुसार भूखमरी के लिहाज से एशिया में भारत की स्थिति अपने कई पड़ोसी देशों से भी खराब दर्शाई गई है। यानी जो है ये जो है 98, 88, 75, 73 और 70, और जबकि भारत का जो स्थान है वो है 94 स्थान, यानी सबसे ज़्यादा अपने पड़ोसी देशों में सबसे गंभीर स्थिति भारत की है। निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है विश्व का? तो वह सिंगापुर। सिंगापुर फेस स्कैन करने वाला देश पहला बन गया है। अगले साल से शहर राज्य में रहने वाले लाखों लोगों को सरकारी एजेंसी, बैंकिंग सेवा जो अन्य सुविधाएं उनको फेस स्कैन के साथ उपयोग कर सकेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि दुरुपयोग से बचने के लिए सिस्टम को और मजबूत करना होगा। सरकार के मुताबिक सिंगापुर का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। साथ ही राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला यह पहला देश है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम देखेंगे। क्वेश्चन था कि WHO की जो कार्यकारी बोर्ड की 5वें विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो वो की थी डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने कार्यकारी बोर्ड की 5वें विशेष सत्र की WHO के जो है वो अध्यक्षता की। आज की जो मोटिवेशन लाइन है वो है, अकेले चलना सीख लें, एक दिन परछाई भी क्या है आपका साथ छोड़ देगी। और जिन्होंने आंसर सही दिया पिछले वीडियो का, पहले स्थान पे उनमें सुधांशु कुमार, दूसरे पे रामदेव मौर्या, तीसरे पे ज्वाला गुप्ता, और आगे हैं सतीश कुमार, निशि शर्मा, जयंत शर्मा, नरेंद्र रजाक, नरेंद्र मीना, मानसी गुप्ता, तनु बिष्ट, विजेंद्र कुमार, प्रकाश माहौरी, केशव कुमार, परंजन साहिल अंसारी, आतिफ, विकास जायसवाल, रामा शंकर और वर्षा राजपूत। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करें आपको ये वीडियो पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने नोबल प्राइज़ 2020 का जो विशेष वीडियो वो नहीं देखा, तो इस वीडियो को आप इस थंबनेल के द्वारा देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में से जो है एक क्वेश्चन आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए पक्का निकल के आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप वो क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।